रानी, मेरी वजह से तुम्हें न जाने कितनी और मुसीबतों से गुजरना होगा, लेकिन अगर तुम्हें मजबूत बनना है तो इन इम्तिहानों से तुम्हें गुजरना ही होगा। आपकी बात मानने का यही नाम मिला हमें? और ये कौन से खेल खेल रही हैं आप, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। ये आप समझ जाती तो मोहरे से खिलाड़ी ना बन जाती। अब कान खोल के सुन लीजिए, हमारी अगली चाल अगर नाकाम हुई तो आपको ऐसी सजा देंगे कि तमाचा आपको फूलों का हार लगेगा। अब अगली चाल के लिए तैयार हो जाइए। राजा रानी में दरार हम डाल कर रहेंगे, पर आपको राजा के पास जाना होगा अभी। रानी, मैं जो करने जा रहा हूं वो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन आने वाले तूफान के लिए तुम्हें तैयार करने के लिए मुझे ये करना ही होगा। क्या हुआ? तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं? अरे गाना बाद में गा लेना, बाहर आ जाओ। राजा, हमने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, हम होश में नहीं थे राजा। मुझे पता है, लवी ने गलती से शराब वाली शरबत तुम्हें पिला दी थी। नहीं राजा, कुछ भी गलती से नहीं हुआ है। अभी जानबूझ के हम दोनों के बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रही है। लवी या कोई और क्या करता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या करती हो उससे फर्क पड़ता है। हो सकता है लवी ने मौके का फायदा उठाया, लेकिन सवाल यह है कि तुमने उसे वो मौका दिया ही क्यों, और तुम्हें तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत क्या थी? बोलो, मेरे और लवी की दोस्ती से तुम्हें इतनी इतनी जलन क्यों होती है? हाँ, मैं और लवी शादी के पहले से दोस्त हैं, जानती हो तुम ये। राजा, हम तो सिर्फ ये पता करना चाहते थे कि आखिर शादी के बाद हो क्या गया है तुम्हें, क्या हुआ है, क्या हमसे कुछ गलती हुई है, क्या गलत हुआ है हम दोनों के बीच? हमारे बीच कुछ गलत नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हारा ऐसा सोचना ये गलत है। सिद्धार्थ, लिसन टू मी, यश जोकर है। सिद्धार्थ, तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ, मेरी बात सुनो। रोशनी, यश ही जोकर, लिसन टू मी, डैम इट, यश इज द जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ, तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना? पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो, देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निकल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा, मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं नहीं, खून खून के बदले कौन? पर मां साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो, सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है। छाई, तुझे कोई परहेज है क्या?
इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं, जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ, जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाएगा।